स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेहत और सौंदर्य पर। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कन्या पूजन विधि नवरात्रि में कैसे किए जाते हैं। नवरात्र पर्व के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराने का विधान होता है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन आखिरी नवरात्रों में इन कन्याओं को नौ देवी स्वरूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि इन कन्याओं को देवियों के तरह आदर सत्कार और भोज से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान दे जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन क्यों और कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। नौ कन्याओं को नौ देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को उनका मनचाहा वरदान देती है। नवरात्रि के किस दिन करें कन्या पूजन? कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन और भोज रखते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन। हमारा मानना है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाया जाता है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दें। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के सदस्य पुष्प वर्षा से करें और नौ दुर्गा के सभी नौ नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिछाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी दूध से भरे थाल और थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद पैरों पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं और भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, उपहार दे और उनके पैर पुनः छूकर आशीष लें। और यहाँ बेहद महत्वपूर्ण जानने योग्य बात ये है कि नवरात्र पर्व पर कन्या पूजन में कितनी की हो कन्याओं की उम्र, ये जानने योग्य बातें हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। और यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नवरात्रों में भारत में कन्याओं को देवी तुल्य मानकर पूजा जाता है और कुछ लोग नवरात्रि के बाद यह सब भूल जाते हैं। बहुत जगह कन्याओं पर शोषण होता है, उनका अपमान किया जाता है। आज भी भारत में बहुत सारे गांवों में कन्या के जन्म पर दुख मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या आप देवी माँ के इन रूपों को क्यों ऐसा अपमान करते हैं? हर कन्या अपना भाग्य खुद लेकर आती है। कन्याओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यह देवी तुल्य है, इनका सम्मान करना, इन्हें आदर देना ही ईश्वर के पूजा के तुल्य है। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा का उत्सव चलता है। लोग माँ से मनोकामनाएं पूर्ण करने की उम्मीद ले उपवास रखते हैं, रात भर माता का जागरण करते हैं। पंडित जी का कहना है कि नवरात्र पर्व की धूम देश के हर भाग में अलग अलग तरह से देखने को मिलती है। जहां उत्तर भारत में मंदिरों में माँ भगवती का पूरे श्रृंगार के साथ पूजन किया जाता है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा का आयोजन किया जाता है, तो बंगाल में मनाया जाने वाला दुर्गोत्सव अलग ही छटा बिखेरता है। माँ के मंदिरों में विशेष रूप से जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में तो नवरात्र में श्रद्धालुओं का तांता ही लग जाता है। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नवरात्र के दिनों में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माता जी के मंदिर में जाकर माता जी का ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता जी से करनी चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाता रहे तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। यदि आप घर पर ही और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए, साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति यदि उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं।
आज कल युग में उपवास एक तरह की तपस्या ही है। नवरात्र में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। माता जी के 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा आयोजन किया जाना शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है, और ब्राह्मण ना हो तो खुद से माता शुद्धपाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए। नवरात्रों में माता जी की अखंड ज्योति यदि देशी गाय के घी से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से माता की अखंड ज्योत पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। और नवरात्र में एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि यदि आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नवरात्र के दौरान हमें इन सावधानियों को बरतना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रों के दिनों में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्र में किन्हीं कार्यों को करने से हमें बचना है, तो सबसे पहली बात आती है कि घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तभी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के घर के अंदर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमने जाना कि कन्या पूजन कैसे करने चाहिए और नवरात्रों में हमें किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।